गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस वन यूनिट वन एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो जो हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि जब भी हम दो सेट्स को और सेट्स के एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट वाले एलिमेंट रहते हैं तो हम उनको सेकेंड वाले से सब्सट्रैक्ट करने में जो लेफ्ट बचते हैं वही राइट करते हैं। हमने क्वेश्चन पहले राइट कर दिया है, मुझे निकालना है एक्स माइनस वाई। तो चेक कर लेते हैं आता क्या है। यहाँ पे बी और डी है, इसमें से बी और डी नहीं लिखेंगे और सी ही लिखेंगे, तुम्हारे पास आंसर आ गया। और जैसे ही वाई माइनस एक्स लिखूंगा तो वाई पहले आ गया और एक्स बाद में, तो बी डी, तो इसमें से बी और डी नहीं आएगा, एफ और जी आएगा। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कॉमन क्या है, यहाँ बी डी है और यहाँ पे बी और डी, तो बी और डी राइट किया, हमारा टेंथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास इलेवंथ क्वेश्चन रहता है। अब इलेवंथ क्वेश्चन जैसे ऐसे है, उसमें लिखा है इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर देन आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू भी इरेशनल ही रहेगा। जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स का है, उसमें स्टेटमेंट दिए हैं उनमें ट्रू एंड फॉल्स राइट करने हैं, हम वो राइट कर रहे हैं। अब हमने फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स है वो लिख लिया है, हमारे पास एलिमेंट दिए हैं 2, 3, 4, 5 एंड 3 एंड 6, हमें बताना है ये सेट डिसजॉइंट है कि नहीं। इसमें से सीधा पता लगता है जो बिलोंग कर रहा है नंबर वो नहीं है, तो इसमें से जैसे 3, तो हमारे पास सिर्फ 3 बिलोंग कर रहा है पूरे के पूरे सेट से, तो हम राइट करेंगे 3 बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5। हमने बिलोंग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो भी बिलोंग करते हैं तो वो पूरे के पूरे से करता है, जो पूरा के पूरा एलिमेंट रहता है, और दूसरे से भी बिलोंग कर रहा है तो 3, 6। तो एलिमेंट जो पहला सबसेट था वो पहले होना चाहिए था, बाकी बाद में। अगर दोनों में इंटरसेक्शन लगाए तो वो भी इसमें क्या रहा है, कॉमन। फ्री ही रहेगा, तो हमारा जो डिसजॉइंट सेट है वो फॉल्स है। इसी का दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी के जैसा है, बस उसमें लिखा है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। ये डिस्जॉइंट है कि नहीं है, दोबारा से क्या करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए टी आई ओ यू और ए दूसरी बार भी बिलोंग कर रहा है ए बी सी और डी, तो ये बिलोंग कर रहा है तो ये दोबारा से हमारे पास इंटरसेक्शन में इसमें कॉमन ए ही निकलेगा, दोबारा से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमारा जो इसका लास्ट रहता है डिस्जॉइंट में, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट कर रहे थे वो है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 राइट कर लिया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसमें जब इंटरसेक्शन लगाएंगे तो 5 आएगा, ये 2 स्टेटमेंट है। तो और जो नेक्स्ट जो रहता है इसी का फोर्थ पार्ट वो भी हमारा 2 स्टेटमेंट है, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 इसमें से भी इंटरसेक्शन में 5 आएगा, तो ये भी हमारा ट्रू है। हमारा 1.4 इसी के साथ खत्म हो जाता है। थैंक यू।